नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार डिटेल। फरुखाबाद के कमालगंज के थाना क्षेत्र के ग्राम रासिदपुर में 6 साल की मासूम बच्ची बोर्ड बेल में गिर गई थी। बच्ची को निकालने के लिए जिला प्रशासन ने मिलिट्री, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पैरा मिलिट्री फोर्स को बुलाया गया था। तीनों टीमों के द्वारा बच्ची को बचाने के लिए एक असीम ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन 58 घंटे तक चला, लेकिन सेना की टीमों को असफलता मिली। इन सवालों के जवाब प्रशासन को देने होंगे। क्यों नहीं मिली सेना की तीनों टीमों को ऑपरेशन में सफलता? क्यों दिए एसडीएम ने ऑपरेशन बंद करने के आदेश? क्या मासूम सीमा मिट्टी में ही रहेगी दफन? क्या परिजनों को नहीं देखने को मिलेगी मासूम सीमा? क्या 6 महीने की ट्रेनिंग पर आए आईएएस अमित आसेरी को ऑपरेशन की कमान देना सही था? परिजनों पर ऑपरेशन बंद करने का दबाव क्यों बनाया गया? सबसे पहले मिलिट्री के जवान बुलाए गए। जवानों ने बच्ची को निकालने में काफी प्रयास किया, लेकिन असफल रही। उसके बाद आगरा से पैरा मिलिट्री फोर्स बुलाया गया, लेकिन बच्ची को निकालने में असफल रही। फिर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ फोर्स को बुलाया गया, लेकिन सभी टीम बच्ची को निकालने में असफल रहे। 58 घंटे ऑपरेशन चलने के बाद भी बच्ची को बाहर नहीं निकाल पाए। एसडीएम अमित आसेरी ने 58 घंटे असीम ऑपरेशन चलने के बाद ऑपरेशन रुकवा दिया और मासूम बच्ची सीमा के परिजनों के ऊपर लेखपाल अनूप मिश्रा और पूर्व प्रधान पप्पू से दबाव बनवाकर परिजनों से हस्ताक्षर ले लिए। ये ऑपरेशन रोका जाता है और बच्ची हमको नहीं चाहिए, और सेना को आदेश दे दिए कि आप लोग वापस जाओ। परिजनों और ग्रामीणों को एसडीएम अमित आसेरी ने जबरन हस्ताक्षर करने के लिए कहा और मीडिया से मिलने के लिए मना कर दिया, और एसडीएम ने पूर्व प्रधान को कहा कि परिजनों के हस्ताक्षर करवाइए। एसडीएम ने ऑपरेशन को बंद करवा दिया और अन्य सेना के जवान भी आदेश अनुसार वहां से चले गए, और एसडीएम ने मीडिया को जवाब देने से मना कर दिया और धीरे से सभी अधिकारी भाग निकले। ग्रामीणों ने एकजुट होकर मासूम बच्ची के परिजनों के साथ मिलकर मीडिया के सामने कहा कि अधिकारियों के डर से हम सब कुछ नहीं बता रहे थे, क्योंकि एसडीएम ने मना किया था। ग्रामीणों ने कहा कि जब हम सबका इतना नुकसान हो रहा है तो कुछ न कुछ रिजल्ट चाहिए, और साथ ही जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नादे लगाए। समाचार डिजाइट के लिए फरुखाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। जो तुम्हारी जो है बहन थी जो वहाँ गिर गई थी, तो 3 महीने से जो है ये सब 3 दिन से चल रहा है, इसको लेके मतलब जो है प्रशासन बिल्कुल काम बंद कर दिया, इसमें क्या कहना है? मेरा कहना है कि मैं गरीब साफ आदमी हूँ, मेरे चाचा दा वो उनसे वो सबकी बातन में आ जाते हैं, मेरे पिता गुजर चुके हैं, मेरी माँ वो भी पागल है, मेरी बहन बाजी मेरे निकाल दी जाए, जिंदे आए मुर्दा कभी भी हो, बाजी जो मकान के जो खाद नुकसान आ रहा है इसका भरपाई की जाए और बाद मिट्टी जो है वो अंदर डाल दी जाए। प्रशासन क्या कह रहा है? प्रधान लेखपाल आए, मैं अंदर बैठा था, बोला बेटा तुम साइन मार दो घर भर, फिर तुम बताओ घर भर साइन मार दो काम हो जाएगा। तो जबरदस्ती साइन करवा रहे? जबरदस्ती साइन करा रहे, वो मेरे पिता चाचा को पकड़ के ले गए हैं। कौन ले गया पकड़ के? अरे प्रधान बुला के ले गया है कि साइन मार, चलो मार। प्रधान पूर्व प्रधान की वर्तमान प्रधान? वर्तमान। क्या नाम है प्रधान का? हरिचंद। और लेखपाल का? लेखपाल का संजू। और कौन दबाव बना रहा है? और साहब हमें नहीं मालूम, मुझे अब निकलने नहीं देते हमारे घर वाले कि तुम नहीं बात करोगे। तो क्या दबाव बना रहे हैं तुम्हारे ऊपर? दबाव ये बना रहे हैं कि जो हुआ है वो छोड़ दो यहीं पे, साइन मार दो बस। मतलब बच्ची को उसी में बना रहे हैं? बोला कि यहाँ पे मट्टी डाल के मटिया बना दो, ऐसा साहब कोई कर सकता है क्या? ये किसने कहा? वो सब लोग कह रहे हैं, लेखपालों प्रधानों और सब लोग। ये ऑपरेशन एसडीएम साहब चला रहे थे। हाँ। उनसे आपकी बात हुई? अभी नहीं हुई, मिलने आप करने नहीं देते हैं कि आपके जो लेखपाल हैं वो बराबर उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि सिग्नेचर करने की सिग्नेचर कर दीजिए कि मतलब जो है कि बच्ची नहीं निकाली जाएगी, इसको लेकर काम रोका गया है, और उनके द्वारा काम रोका गया है। किसके द्वारा? लेखपाल के द्वारा? नहीं, लेखपाल ये कह रहा है कि मतलब जो उन लोगों को दबाव बनाया जा रहा है कि मतलब जो है कि इसको सिग्नेचर करके दे दें कि मतलब जो है कि ये काम जो है नहीं होगा, बच्ची ना निकाली जाए। इस तरह की मेरे संज्ञान में कोई बात नहीं है, मैं पता कर सकता हूँ कि पूरे मतलब जो है ग्रामीण कह रहे हैं इस बात को, आरोप लगा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं बता दे रहा हूँ आपको, मेरे संज्ञान में सही कोई बात नहीं, यदि आप कह रहे हैं तो मैं इसकी जानकारी करता हूँ। ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि ये मांग बच्ची को निकाला जाए जिंदा या मुर्दा,
तो ये क्यों बंद करते? उच्च अधिकारियों के निर्देश पर कोई भी कार्रवाई नहीं। तो उच्च अधिकारियों को निर्देश बंद कराया गया काम? नहीं, उच्च अधिकारियों के निर्देश पर कोई भी नहीं। काम किसके आदेश से बंद कराया गया? नहीं, काम बंद हुआ है किसके आदेश से बंद हुआ? आप यहाँ पर आधिकारिक रूप में तैनात हैं, तो ये आपको बताना पड़ेगा कि बच्ची जिंदा है कि मर गई है, इसकी ऑपरेशन क्यों रोका गया? आईडी नीचे करो। हम अपने एसडीएम साहब के निर्देशों के अनुपालन में काम कर रहे हैं। क्या उनके द्वारा ही ऑपरेशन चलाया जा रहा है? क्या निर्देश दिए गए? नहीं, अभी बात कर रहा हूं। उन्होंने क्या निर्देश दिया? उनसे लगातार संपर्क में, उनसे बात कर रहा हूं। संपर्क में रहे आप? काम बंद कर दिया गया है, आप क्यों काम नहीं? पहले उनसे बात करने के बाद ही कुछ क्या पता? नहीं, तो क्या मतलब क्यों बंद किया? अभी एसडीएम साहब ने आपको क्या कहा है फिलहाल? आपको बताया तो मैं निरंतर संपर्क। नहीं नहीं, आपको यहाँ रोका गया है, आप यहाँ पर रुके हैं सर? नहीं, सारे अधिकारी चले गए, आप रुके हैं, तो कुछ तो आपको निर्देश दिए होंगे। नहीं गए अभी, यही रोल। सर क्या मामला हुआ? अभी ऑक्सीजन पाइप लगा था, उसको हटा लिया गया, क्या हो गया सर? अरे वो वहाँ पे ऑक्सीजन चल रही थी जी, और लगभग 6 बजे के टाइम पे अचानक पाइप बोर की तरफ खींचा, तो मैंने सोचा पता नहीं कौन खींच रहा है, मैंने पाइप को टायर से पकड़ा और पाइप टूट गया। नहीं तो कैसे टूट गया, मतलब क्या कारण रहा? वो उसमें बता रहे हैं कि बोर बैठ गया है, और बोर के साथ बोतल में बच्ची फंसी थी, वो पूरा बैठ गया है मिट्टी। हाँ हाँ हाँ, तो उस वजह से पूरा रेस्क्यू भी रुक गया है, बच्ची भी उसमें पूरा। रेस्क्यू रुक गया है या नहीं रुक गया है, मेरा पाइप टूट गया तो मैंने फिर वो अपना बंद कर दिया ऑक्सीजन। अब उसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो रहा, तो उसकी मतलब क्या, मतलब जिंदगी से मतलब कैसा, क्या मतलब जो है? अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि जिंदगी उसकी बचेगी या खत्म होगी, लेकिन ऑक्सीजन से तो उम्मीद थी कि बच्ची बच्चा। ये घटना अभी तक आप लोग प्रयास करते रहे, ऑक्सीजन लगा रहे, अब ऑक्सीजन हटने का मतलब क्या है? किस कारण ऑपरेशन को, रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है क्या? अब ये तो नहीं बता सकते आप सर, ऑपरेशन रुक गया है या नहीं रुक गया, लेकिन मेरा ऑक्सीजन पाइप टूटने से मेरा ऑक्सीजन तो रुक गया है। 30 घंटे तक आप उस बच्ची की सांसों के साथ जुड़े रहे, अब आपको कैसा लग रहा है? अब तो खराब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मेरी बच्ची थी, और कैसे मतलब ये काम हो गया है, बहुत गलत लग रहा है। 36 घंटे बच्ची की सांसों के साथ जुड़े रहे हैं, तो कुल मिला के आपका मन क्या कहता है? मेरा मन कहता है कि काश वो बच्ची बच जाती। सर आप लोगों की तरफ से अब आगे की प्रक्रिया क्या है, क्या सोचा है कि अब क्या दोबारा पाइप डालेंगे, किस तरीके से आगे क्या करेंगे आप? नहीं, अब दोबारा पाइप पड़ने की कोई मतलब जो है गुंजाइश ही नहीं है उसमें। ये कितने बजे पाइप टूटा लगभग? ये लगभग कोई 6 बज रहा होगा। ऑक्सीजन ना मिलने से बच्चे की हालत क्या होगी? ऑक्सीजन ना मिलने से बच्चे की हालत तो खराब ही होगी। ठीक है, धन्यवाद। ये जो है मीडिया अपने थोड़ा सा देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं उनसे, कर्नल साहब जो है अपने कंस्ट्रेंट्स बता रहे हैं, इसके लिए पूरा एरिया क्लियर करने की बात हो रही है यहाँ पर, तो उस पर हमें कॉल लेना है कि किस तरह से ये अगर ऑपरेशन अगर कंटिन्यू करते हैं तो उन्हीं के कॉल पर लिया जाएगा अगला डिसीजन। नहीं सर, आपकी सबसे बड़ी इसमें जो है अभी दिक्कत ये आई है कि आप लगातार इस ऑपरेशन को लीड किए हैं पहले दिन से, अब दिक्कत इस बात की आ रही है कि बच्ची को वहीं उसकी बॉडी जो है मिट्टी में ही दबा देने की प्रक्रिया प्रशासन कर रहा है, तो क्या ये बात सही है क्या? नहीं, हम कुछ नहीं अभी कर रहे हैं, अभी जो है कंस्ट्रेंट्स के हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा, जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं उसके बाद हम लोग कॉल लेंगे कि उसके फर्दर हम लोग उस पर काम करना चाहते हैं या नहीं। तो कुल मिला के सेना चली गई क्या? सेना भी यहीं पर है सर, एनडीआरएफ एसडीआरएफ सब यहीं पर। अच्छा, तो अभी कुल मिला के कार्यक्रम रोका गया कि नहीं रोका गया? अभी हम लोग बात कर रहे हैं उन लोगों से। सर सेना कितनी देर बात चलेगी आपकी? वो जितनी देर चलेगी उसने, जितना ऑक्सीजन पाइप भी हटा लिया गया है। ऑक्सीजन पाइप हटा इसलिए गया क्योंकि वो आपका ब्लॉक जो था वो पूरा ध्वस्त हो चुका था। मिट्टी की खुदाई जो जिला प्रशासन ने शुरुआत में कराई थी पहले 3 घंटे, वो गलत स्थान पे हो गई थी, तो क्या इस बात को भी प्रशासन एक्सेप्ट करेगा क्या? नहीं नहीं, वो एकदम सही स्थान पे हुई थी, कोई गलत नहीं थी। अच्छा, वो बता जा रहा है क्रॉस हो गई थी कुछ? क्रॉस हो गई थी? नहीं, टेढ़ी। आज जो है, आज ही वो ध्वस्त हुआ है, तब तक पूरा ऑक्सीजन पाइप चल रहा था। आपकी वजह से पूरा कार्यक्रम फेल्यूर हुआ बताया जा रहा है। थैंक यू, नो कमेंट्स।